केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया है। खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। मोदी ने कहा कि देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए ये फैसला लिया गया है। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से फोन पर बात की, उनके जज्बे की सराहना की। प्रधानमंत्री से बात करते हुए महिला हॉकी खिलाड़ी भावुक हो गईं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम पदक से चूक गई थी। ब्रॉन्ज प्लेऑफ मैच में ब्रिटेन से 3-4 से महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले कल पीएम मोदी ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल सभी खिलाड़ियों को डिनर का न्योता दिया है। टोक्यो से वापसी के बाद सभी खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री अपने आवास पर डिनर कार्यक्रम रखेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज 14 विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पर पहुंचे। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर विपक्षी सांसदों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। सांसदों ने सेव फार्मर्स सेव इंडिया के नारे भी लगाए। आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी बस में यात्रा करके पहुंचे और किसान संसद की विजिटर गैलरी में बैठे। आज सब विपक्ष के पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। इससे पहले किसानों के समर्थन में राहुल गांधी साइकिल मार्च निकाल चुके हैं और ट्रैक्टर चलाकर संसद गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंच गए। राज ठाकरे के घर चल रही इस मीटिंग में राज के बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद थे। साथ ही एमएनएस के दो सबसे सीनियर नेता बाला नादगांवकर और नितिन सरदेसाई भी इस मीटिंग में शामिल थे। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, साथ ही शिवसेना बीजेपी से अलग हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी और एमएनएस साथ आ रहे हैं।